व्हाट्स अप गाइस, इट्स डे 5 विद मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड आज हम लोग आए सोनागिरी टेंपल में जो दतिया में है इन ग्वालियर। एंड दिस प्लेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जैन लोगों का सेकेंड सबसे बड़ा तीर्थ है। फर्स्ट वन इज समेत शिखर और जो सेकेंड वाला है ये है विच इज़ कॉल्ड सोनागिरी। सारी डिटेल्स मैं बताते जाऊँगा, वॉच द फुल वीडियो। सोनागिरी रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर है और ग्वालियर से अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स दूर है ये जगह। यहाँ पे अगर आप चल नहीं सकते या फिर चलने का कुछ प्रॉब्लम है तो डोली की भी व्यवस्था है, जैसे पालीताना में है वैसी व्यवस्था यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है सोनागिरी टेम्पल का, चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ पे टोटल 108 मंदिर है और 24 तीर्थंकरों की सारी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे चलने का बहुत है, जैसे कि समेत शिखर में आपको चलना पड़ा है, जो लोग जाके आपको पता ही होगा बहुत सारा चलने का है। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, आप देख सकते हो लंबे लंबे रास्ते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, हर कोने कोने में मंदिर ही दिखेगा आपको बिकॉज 108 मंदिर आपको कवर करने हैं और मेरे ख्याल से पूरा एक दिन भी लग जाएगा आपको, पूरा एक दिन लगेगा। हम लोगों ने थोड़े थोड़े कवर करने की कोशिश की है, ट्राई किया है, लेट्स सी आगे जाते हैं। सोनागिरी को गोल्डन हिल भी कहा जाता है क्योंकि सोना यानी गोल्डन और गिर यानी हिल। यहाँ पे टोटल 108 मंदिर है और सारा का सारा आर्किटेक्चर यानी कि हर टेंपल का आर्किटेक्चर अलग अलग है और ये सुन के तो चक्कर आ गया क्योंकि 108 टेंपल मुझे डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि चलना भाई बहुत ही थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ जाओगे, सच्चे दिल से जाओगे तो सब कुछ ईजीली हो जाएगा यार। इस दिगंबर तीर्थ में 24 तीर्थंकरों की सारी मूर्तियां मिलेंगी आपको और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी मंदिर हैं यहां पर सिर्फ ब्रिक्स और स्टोन से बनाए गए हैं, यहां पे लकड़ा यूज़ नहीं किया गया और आयन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वो मंदिर है जहां पे चंद्रप्रभु स्वामी जी का 70वीं बार सम्मोत्सरण आया था और 108 मंदिर में से मैंने आपसे कहा था कुछ मंदिर इतने इम्पॉर्टेंट है जिनमें से ये एक मंदिर है और ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस मंदिर की और क्या खास बात है चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हाँ ये सर जो ये जो रचना है ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है। नंदीश्वर द्वीप की रचना में 13 गॉड को दिखाया गया तो टोटल ये 52 गॉड हैं नंदीश्वर द्वीप के अंदर, 52 गॉड। और जो पांच ये जो रास्ते ये जो माउंट मेरू दिखाए गए, क्योंकि ये जो मेरू के अलावा जो मेडिटेशन का रास्ता है वो माउंट मेरू के ऊपर कोई रास्ता नहीं है वो इसके अंदर दिखाया गया है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पांच मेरू दिखाए गए इनके ऊपर मेडिटेशन का कोई रास्ता नहीं, केवल लास्ट स्टेप है माउंट मेरू। तो ये पूरा का जो कंबाइन है ये नंदीश्वर द्वीप के अंदर, तो नंदीश्वर द्वीप की रचना के अंदर 52 गॉड को दर्शाया गया और 5 माउंट मेरू को दर्शाया गया। जो माउंट कैलाश है उसको भी माउंट मेरू बोलते हैं। हाँ उसको भी माउंट कैलाश को जी, माउंट मेरू, माउंट कैलाश, ये सारे जो जितने भी होली मेरू हैं वो सब उसमें उसको कंबाइन किया गया सर। जब भगवान चंदा प्रभु यहाँ 17वीं बार भगवान चंदा प्रभु का सम्मोत्सरण आया 17वीं बार, तो जब उनकी स्पीच वो दिया करते थे तो उनकी स्पीच पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी और फिर उनकी स्पीच को सुनने के लिए देव देवियां राजा रंग यहाँ तक जानवर भी आए, वो उसमें सब दिखाया गया कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच दी है। तो यस यस श्योर आई प्लीज यू टेक द राउंड वन हियर। सोनागिरी में और एक चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे 5 करोड़ से भी ज़्यादा संत और तपस्वियों ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया है। उसी ज़माने में बुंदेलखंड में चंदेरी, ग्वालियर, दतिया, देवगढ़ जैसे स्थान महत्वपूर्ण जैन केंद्र बन गए थे। तो दोस्तों आर्किटेक्चर वाइज ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ये सबसे फेवरेट टेम्पल था मेरा बिकॉज इसका जो आर्किटेक्चर है वो गुरुद्वारा स्टाइल में बनाया गया है। आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा, थोड़ा सा शेप मिलता जुलता है एंड आई लव्ड इट। आपको तो पता ही होगा सबसे पहला बड़ा तीर्थ है वो समेत शिखर है जो गिरनार में है और जो दूसरा बड़ा तीर्थ है दिगंबरों में वो सोनागिरी है जो है ग्वालियर में, जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और
हम लोग काफ़ी चल चल के ऊपर आ चुके हैं एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ बैक साइड। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है पीछे का जो व्यू है, वो फुल ऑफ ग्रीनरी, काफ़ी अच्छा लैंडस्केप है। तो दोस्तों चलते चलते हम सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट मंदिर में पहुंच गए, जो 57th टेंपल है सोनागिरी का। दोस्तों इस स्पेशल मंदिर में 11 फुट की जो चंद्र प्रभु स्वामी की मूर्ति है उसके पीछे एक स्पेशल स्टोरी है। तो हुआ ये था कि बीर सिंह जो दतिया के बहुत बड़े राजा थे, वो मुग़ल राजकुमार सलीम के दोस्त थे यानी कि जहांगीर, उनके लिए वो 52 बिल्डिंग्स बना रहे थे जिसमें से एक बिल्डिंग था बीर सिंह पैलेस, जो जहांगीर को उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो बीर सिंह जी पैलेस बनाने के लिए पत्थरों की खोज में थे, तो दतिया के पास पहाड़ों में उन्होंने पत्थर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद उनको एक बड़ी 11 फुट की मूर्ति वहाँ से मिली। कुछ देर बाद पता चला कि वो 11 फुट की मूर्ति चंद्र प्रभु स्वामी जी की है और जैन लोगों ने तुरंत उसे स्थापित कर दिया सोनागिरी में। तो भाई आप अगर पूछेंगे किसी से कि ये मूर्ति किसने बनाई, तो इसका जवाब मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये एक मिराकल था। जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो पत्थर की मूर्ति अचानक से, यू नो, इट वॉज़ अ मिराकल। यहाँ पर जो मेरे दोस्त आए थे दूसरे स्टेट से, दूसरे धर्म से, वो भी इतने आनंदित हो गए थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर पूजा की। आपको तो पता ही होगा चंद्र प्रभु स्वामी का जो सिम्बॉल है इस कॉल्ड हाफ मून, एंड चंद्र प्रभु स्वामी के दर्शन किए तो आपको उत्तम शांति मिलती है, यू विल बी पीसफुल एट द एंड ऑफ द डे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से इस मंदिर को सजाया गया था एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि हम जैनों का ग्वालियर से एक पुराना कनेक्शन तो डेफिनेटली है। भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर है और भगवान चंद्र प्रभु का जो समोसरण है वो 17 बार आया, और ये जो भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति है ये भूगर्भ से निकली हुई है। यहाँ सबसे मुख्य मूर्तियों में से एक है, जिनका जो नंबर है मंदिर 57 नंबर्स है। इनका जो नंबर है वो 8वें तीर्थंकर हैं भगवान चंद्र प्रभु, और इनका जो सिंबल है इन हाफ मून लाइट है, ये यहाँ के मूल नायक हैं। स्पेशली प्रेयर यहाँ की जाती है, यहाँ ये पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा का पूरा 52 गॉड हैं। फ्रंट में नंग अनंग आल बाहुबली हैं, तो ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट पूरा मुख्य जो आकर्षण है जैनिज्म के अंदर वो कॉम्प्लेक्स है भगवान चंद्र प्रभु का कॉम्प्लेक्स। अंदर जो रिचुअल थोड़े से क्या जो लोग रिचुअल करो, वो जो अंदर की साइड में है वो सर पूरा प्रेयर का सिस्टम दिखाया गया, क्योंकि पूजा में प्रेयर के अंदर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी जिनवाणी है, पद्म पुराण है, उनके अकॉर्डिंग में ही वो पूरा सिस्टम किया जाता है। जब लास्ट चीज़ खत्म होती है तो ऑफरिंग किया जाता है, ये सब इसके अंदर दिखाया गया। इसी के एवज में अगर हम नेक्स्ट में हम पीताम्बरा पीठ देखेंगे तो वो हिंदुज़म का पीठ है और 10 महाविद्यापीठों में सर्वोपरि स्थान है पीताम्बरा पीठ का। तो चूंकि अब ये पूजा जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स है, इनका जो सिस्टम है वही आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ और वहाँ कितना कितना हमको डिफरेंट नज़र आ रहा है सब जगह। यहाँ की पूजा के बारे में देखिएगा, फिर हम पीताम्बरा जाते हैं तो वहाँ की पूजा के बारे में देखिएगा। यही पूरा कल्चर है हिंदुज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़म, सब पूरा कल्चर के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से सिस्टम से की जाती है। तो भाई 57th मंदिर कवर करने के बाद हम निकल पड़े आगे दूसरे मंदिरों की तरफ, जहाँ पे महावीर स्वामी जी की मूर्ति थी, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी, काफ़ी सारे तीर्थंकरों की मूर्ति थी। यहाँ पे टाइमिंग के बारे में मुझे पता चला है, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक सब कुछ खुला रहता है, बट 11 के बाद सिर्फ जो मेन मंदिर है वही खुले रहेंगे और जो बाकी के छोटे छोटे मंदिर है वो वाले बंद हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपना टाइम टेबल बना के आइए। श्री नेमीनाथ स्वामी का मंदिर है, ऑन अ सीरियस नोट मुझे काफ़ी बहुत मज़ा आया और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, बिकॉज मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा देखने मिलेगा ग्वालियर में वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लिटरली एंड लिटरली लव द एक्सपीरियंस।
अगर आप फ्यूचर में मध्य प्रदेश प्लान कर रहे हो तो भेड़ाघाट के अलावा काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे कि गोपांचल, सिद्धांचल, ग्वालियर फोर्ट है, सारे वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा मैं, आपको पोस्ट करने वाला हूँ। बट इससे मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वन, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई ऑब्जर्व्ड एंड आई लिटरली लव्ड इट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने सारे जैन दोस्तों को, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करो, बिकॉज मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता उनको भी पता होगा कि ऐसी भी कोई जगह है। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक देम रियलाइज, मेक देम लर्न के ऐसी जगहें हैं जो आगे का जो जनरेशन है उनको हमें बताना पड़ेगा कि ऐसी स्टोरीज़ भी थी, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी स्टोरीज़ भी एग्जिस्ट करती थी एंड इट्स अ रियलिटी एंड दोज मिराकल्स डिड हैपन। रास्ते में ये वाला मंदिर भी दिख गया जो चंद्रप्रभु स्वामी का मंदिर ही था, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर था। लुक एट द इंटीरियर, वी वर फ्लैट, आई मीन लिटरली लव्ड इट। जो मिरर वर्क किया गया है गोल्डनिश टाइप का, बहुत ही अमेजिंग था। तो दोस्तों बाहर आने के बाद, इतना सारा चलने के बाद बहुत जोरों शोरों की भूख लगी थी, तो इंदौरी पोहा ट्राई किया जो काफ़ी अच्छा था। और एक गुड न्यूज़ है, अगर आप टेंपल के बाहर जाओगे यानी कि सोनागिरी के बाहर जाएंगे तो काफ़ी सारे खाने पीने की दुकान है, शुगर केन जूस है, समोसा है, चाट वाले है, आइसक्रीम वाले है, दुनिया भर का स्ट्रीट फूड यहाँ पे आपको दिखेगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मोर वीडियोज़ ऑफ मध्य प्रदेश कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।